हेलो फ्रेंड्स, गुंजन किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी मटर की कचौड़ी। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन रख लिया है, इसमें एक चम्मच के करीब मैं तेल डाल दूंगी। तेल डाल दिया एक चम्मच के करीब। अब इसमें डाल देंगे हरा मटर। मटर को अच्छी तरह से सेक लेंगे, कचौड़ी बनाते समय ये कच्चापन ना लगे। मटर सेक चुका है, अब इसको मिक्सी में पीस लेते हैं, वो भी दरदरा। यहाँ पे हरा लहसुन और हरा मिर्ची, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा डाल के पीस लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे दरदरा। मैंने दरदरा पीस के मटर को रेडी कर लिया है। यहाँ पे 2 चम्मच के करीब तेल डाला है, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, आधा चम्मच हींग, यहाँ पे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, अच्छी तरह से मिला लेंगे। मसाला बनके रेडी हो गया है। अब इसके लिए आटा लगा लेते हैं। यहाँ पे 2 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है, मैं गेहूं के आटा से ही बनाऊंगी। यहाँ पे अजवाइन डाल देंगे, थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच के करीब तेल, हल्का गुनगुना पानी से हम गूंथ के रेडी कर लेंगे। आटा गूंथ के रेडी कर लिया है, अब इसको इसमें हम मसाला को भर लेंगे। अब चारों तरफ से इस तरीके से सारे आटे में वो मसाला भर के रेडी कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब इसके अंदर कचौड़ी को डाल देंगे। कचौड़ी को धीमी आंच पे ही बनाएंगे, नहीं तो अंदर कच्चा रह जाएगा। कचौड़ी बन के रेडी हो गया, देखिए एक तोड़ के दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से हमारा कचौड़ी बन के रेडी हो गया है, गर्मा गर्म कचौड़ी और चटनी। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। थैंक यू।